पश्चिमी हिमालय में पहली बार कीट भक्षी दुर्लभ प्रजाति का यूट्रिकुलेरिया फर्सिलिटा पौधा रिकॉर्ड किया गया है। सीमांत जनपद चमोली की मंडल घाटी में यहां पौधा मिला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड वन अनुसंधान लगातार दुर्लभ वनस्पतियों की खोज और उनके संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। वन अनुसंधान की गोपेश्वर रेंज के रेंजर हरीश नेगी और जेआरएफ मनोज ने सितंबर 2021 में मंडल घाटी में कीट भक्षी पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति को देखा था। रिसर्च विंग के रेंजर हरीश नेगी ने बताया कि ये पौधा पानी वाली जगह पर पनपता है। इसके आसपास की मिट्टी भी उर्वरा विहीन होती है। वनस्पति की अन्य प्रजातियों की तरह ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन हासिल नहीं करता बल्कि शिकार के जरिए संघर्ष करते हैं। इसके ब्लैडर का मुंह 10 से 15 मिलीलीटर सेकंड में खुलकर बंद भी हो जाता है। उन्होंने बताया कि कीट भक्षी प्रजातियों पर रिसर्च को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों को दिलचस्पी रहती है। एक कीट भक्षी पौधा है जो हमें जो है सितंबर 2021 में मंडल घाटी के चुपता एरिया की तरफ मिला। सितंबर 21 की बात है कि हम जब सर्वे के लिए जा रहे थे तो ये कीट भक्षी पौधे में हमको फ्लावरिंग दिखी। जब फ्लावरिंग देखी हमने तो देखा कि ये जो है मॉस के साथ और नम जगह पे उग रहा है। जब इसको हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी तो पता चला कि जो है ये यूटिकुलेरिया फर्सिलेटा है। और यूटिकुलेरिया फर्सिलेटा पश्चिमी हिमालय में इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ था। इससे पहले भारत में यूटिकुलेरिया फर्सिलेटा जो है नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल वगैरह में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इस समय पश्चिमी हिमालय के तरफ ये पहली बार रिपोर्ट हो रहा है। और ये एक कीट भक्षी पौधे की एक प्रजाति है। और इसका जो है एक हमारा इस उत्तराखंड स्टेट में जितने भी कीट भक्षी पौधे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे एक हमारा प्रयोग चल रहा है कि भाई कितने इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ मिल रही हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमको ये नई प्रजाति देखने को मिली है।